स्क्वायर so, मैट्रिक्स के लिए इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए तो पांच रोज है एंड पांच कॉलम्स है सो यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स फिर यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है सो एनी रेस्ट्रिक्शंस तो इसका आंसर है नो सो देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस एंड वेदर इज मिनिमाइज टाइप नो बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है सो वेदर इट इज ऑफ द मिनिमाइज टाइप एंड द आंसर इज नो तो हम हंगेरियन मेथड इस पर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे तो इसे ये जो मैक्माइज टाइप का जो मैट्रिक्स है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मिनिमाइज कैटेगरी में So we first convert we first convert the given problem we first convert the given problem into minimize type into minimize इप अब वो कैसे करते हैं उसके लिए हम लार्जेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं एंड लार्जेस्ट एलिमेंट का डिफरेंस हम लिखेंगे सारे एलिमेंट के साथ सो वी कन्वर्ट इट इंटू मिनिमाइज टाइप बाय सप्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू एलिमेंट और फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट अब यहां पे लार्जेस्ट एलिमेंट है 62, सो दैट इज हम 62 के साथ सब एलिमेंट्स का सप्रैक्शन करेंगे एंड फिर हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा देखिए

एट इज थर्टी फोर फोर्टी अगर सिक्सटी टू के साथ सप्लाई करते हैं तो यह आएगा ट्वेंटी टू देस फोर्टी अगेन ट्वेंटी टू सिक्सटी टू माइनस ट्वेंटी फोर इज थर्टी एट सिक्सटी टू माइनस ट्वेंटी सेवन इज थर्टी फाइव सिक्सटी टू माइनस ट्वेंटी वन ये आएगा हमारा 41, 62 सिक्सटी टू माइनस थर्टी तो दिस बी 26 सिक्स सिक्सटी टू माइनस फोर्टी अगेन तो ट्वेंटी टू सिक्सटी टू माइनस थर्टी टू ये आएगा थर्टी सिक्सटी टू माइनस थर्टी थ्री ट्वेंटी नाइन सिक्सटी टू माइनस थर्टी

तो ये जो हमें वैल्यूज मिली दीज आर कॉल्ड ऑपॉर्चुनिटी लॉसेस ये वैल्यूज को हम बोलते हैं ऑपरचुनिटी लॉसेस तो हमारा मैक्सिमाइज वाला जो मैट्रिक्स है वो अब कन्वर्ट हो गया मिनिमाइज टाइप में एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द रो रिडक्शन तो पहला स्टेप आएगा हमारा रो रिडक्शन या फिर रो मिनिमाइजेशन सो फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट वैल्यू है 22, सो लेट अस सपरेट तो ये आएगा 10, फिर 3, फिर 0, देन 12 एंड 0। सेकेंड रो का स्मॉलेस्ट वैल्यू अगेन 22, सो so, 0 38 एट माइनस ट्वेंटी टू विल बी सिक्सटीन थर्टी माइनस आएगा 13. 41 वन माइनस ट्वेंटी टू विल भी नाइनटीन ट्वेंटी माइनस इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 22 टू अगेन सब्रैक करते हैं तो यह आएगा जीरो थर्टी माइनस ट्वेंटी टू एट ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी टू इज सेवन 32 minus 22 10 27 minus 22 is 5 this may least value 22 so this becomes uh, yeah i got 15 then in the difference i got 2 for 0 for 4 or 4 or our last row they came is minimum value to 0 hai. so this remains as it is 3 टी वन ट्वेंटी एट ट्वेंटी थ्री अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे दैट इज कॉलम रिडक्शन सो नेक्स्ट स्टेप विल बी कॉलम रिडक्शन अ फर्स्ट कॉलम विल रिमेन एज इट इज बिकॉज मिनिमम वैल्यू इज जीरो फर्स्ट कॉलम नो चेंज तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं टेन जीरो जीरो फिफ्टीन थर्टी थ्री सेकेंड कॉलम में भी जीरो है तो ये अनचेंज रहेगा थ्री सिक्सटीन एट टू जीरो इसमें भी जीरो है सो जीरो थर्टीन सेवन जीरो ट्वेंटी वन इसमें लीस्ट वैल्यू है फोर तो फोर हम सप्रैक कर देते हैं सो वी हैव एट 15, 6, 0, 24. This remains the same. Minimum value 0 has so 0, 4, 5, 4, and 23. Now next step will minimum lines and allocation. So next step is drawing off the minimum lines. अलोंग विद एलोकेशन अब इसमें हम ये वाला मैट्रिक्स यूज करेंगे कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स सो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे सो वी हैव टेन थ्री जीरो एट जीरो जीरो सिक्सटीन थर्टीन फिफ्टीन फोर जीरो ट सेवन सिक्स फाइव फिर फिफ्टीन टू ज़ीरो ज़ीरो फोर फिफ्टीन टू जीरो जीरो फोर नेक्स्ट इज थर्टी थ्री ज़ीरो ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री अब एलोकेट करते हैं स्टार्टिंग विद अ सिंगल जीरो रो फर्स्ट रो में दो जीरोज है सेकेंड रो इज अ सिंगल जीरो रो तो इसे हम बॉक्स में डाल के मिनिमम लाइन बना देते हैं वर्टिकली और ये एक्स्ट्रा जीरो है इस पर तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा थर्ड रो में कोई भी जीरो नहीं है फोर्थ इज अ डबल जीरो रो देन फिफ्थ इज अ सिंगल जीरो रो ये बन गया एंड लाइन आएगी आपकी वर्टिकल अब कोई भी सिंगल जीरो रो नहीं बचा तो सिंगल जीरो कॉलम हम ढूंढेंगे फर्स्ट कॉलम तो गया सेकंड कॉलम में भी असाइनमेंट हो चुका है थर्ड कॉलम में दो जीरोज है इसे स्किप करते हैं फोर्थ कॉलम इज सिंगल जीरो कॉलम तो जब हम कॉलम में जीरो ट्रैप करते हैं मिनिमम लाइन बनाते हैं देन फिफ्थ कॉलम आपका सिंगल जीरो कॉलम है एंड फिर लाइन बनेगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये जीरो कट अब सिर्फ चार ही एलोकेशन हुए हमें चाहिए पांच मिनिमम लाइंस भी देखिए सिर्फ चार ही आई है सो वी हैव टू गो फॉर री एलोकेशन तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी री एलोकेशन तो यहां से हमें आंसर नहीं मिला अब री एलोकेशन में हम टारगेट करते हैं द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट अभी जो अनकवर्ड वैल्यूज है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है फोर अब ये फोर जो है ये सब अनकवर्ड में से हम सप्रैक कर देंगे और ये जो इंटरसेक्शन है यहां पे, ये प्लस साइन देखिए यहां पे तीन और ये चार ये चार जगह पे हम ये फोर ऐड कर देंगे सो लेट एस डू द री एलोकेशन यहाँ पे प्लस फोर सो दिस बिकम्स फोर्टीन प्लस फोर करेंगे तो सेवन बाकी वी हैव जीरो फिर सिक्सटीन इसमें से फोर लेस हो जाएगा तो नाइन इसमें से फोर लेस हो गया तो इलेवन और एक जीरोन नेक्स्ट विल बी जीरो फिर एट इसमें से फोर लेस करते हैं तो थ्री देन फोर लेस किया तो आएगा टू फोर लेस किया तो आएगा वन यहाँ पे फोर ऐड हो जाएगा सो दिस बिकम्स नाइनटीन ऐड फोर सो दिस इज सिक्स जीरो जीरो फोर एज इट इज एंड लास्ट में वी हैव थर्टी थ्री जीरो 33 थ्री ये है, जीरो ये तीनों में से फोर हम लेस कर देंगे तो 17 20 एंड 19 अब फिर से हम वही सिंगल जीरो रो ढूंढते हैं सो लेट्स सी अब असाइनमेंट करते हैं इसका सिंगल जीरो रो फर्स्ट रो में सिंगल जीरो नहीं है सेकंड में भी दो जीरोस है थर्ड रो हमारा सिंगल जीरो रो है तो मिनिमम लाइन बनेगी कॉलम वाइज और ये एक्स्ट्रा जीरो कैंसल आउट देन इसमें दो जीरोस है फिफ्थ में देखिए एक सिंगल जीरो है सो so इसे हमने बॉक्स में डाल दिया और मिनिमम लाइन बना दी हमने कॉलम वाइज एक बार चेक करते हैं ये अभी भी दो जीरोस है यहाँ पर यस दिस हैज बिकम अ सिंगल जीरो रो तो मिनिमम लाइन आएगी कॉलम वाइज ये ज़ीरो कट इधर असाइनमेंट हो गया यहाँ पे अभी भी दो जीरोज है देखिए फर्स्ट रो फिर अभी सिंगल ज़ीरो बन गया इस ये कैंसल आउट होने के वजह से सो दिस इज़ अ सिंगल ज़ीरो रो नाउ मिनिमम लाइन आएगी कॉलम वाइज ये एक्स्ट्रा ज़ीरो कट एंड ये जो फोर्थ रो है दिस इज आल्सो अ सिंगल जीरो रो नाउ एंड मिनिमम लाइन आएगी कॉलम वाइज तो एक दो तीन चार पांच पांच असाइनमेंट हो चुके हैं अभी सिर्फ इनका हम नेमिंग करेंगे एंड फाइनली पेरिंग कर देंगे जॉब्स एंड मशीन्स ए बी सी टी ई मशीन्स है एंड जॉब्स है वन टू थ्री फोर फाइव सो लेट अस डू द नेमिंग यहाँ पे है एक सेकेंड लेफ्ट में वन टू फाइव है और ऊपर ए टू है ओके सो लेट अस डू द नेमिंग्स नाउ पे, वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव एंड यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई सो देयरफॉर वी से the allocation is therefore the allocation is one ka pairing hoga c ke saad. one c two e phir three ka a four will be d and finally five will be b